भाई ये वीडियो बस मौज लेने के लिए बनाई गई है, ऐसे अपनी छाती पे न लें। रजत दलाल वर्सेस राजवीर सिसोदिया, इन लोगों का लफड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरी एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा हमारे रजत दलाल और राजवीर के बीच में कितनी तगड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। कोई गाड़ी में लोगों को लेके घूम रहा है, कोई फरीदाबाद गाजियाबाद में घूम रहा है, और कुछ दिनों पहले हमारे अलविश यादव की भी लड़ाई हो गई थी, जो कि कब शुरू हुई और कब खत्म कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन ये कंट्रोवर्सी बहुत ही लंबी चल रही है, इसमें बहुत ज्यादा मीम बन रही है। तो चलो एक आध मीम के ऊपर हम भी रिएक्ट कर लेते हैं। फाइनली 1 vs 2 टुमारो। भाई बात तो सही कह रहा है, पीछे हट गए तो जाट किस बात के। भाई देखते हैं कल 1v2 कैसा होगा। ये फिर फालतू लाइव लेके आ गया राजवीर। क्या जोक मारा भाई। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। लेकिन ये पीछे कौन है, मिट्टू भाई? अरे भाई आप लोग राजवीर का रिएक्शन देख रहे हो, ये कैसे हो गया है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? टुमारो बहादुरगढ़ 2 vs 1 चूज योर साइड। भाई कमेंट बताना आप किसके साथ हो। रजत दलाल हैज बीन लाइक इंटरनेशनली हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया फॉर मेनी वेटलिफ्टिंग कॉम्पिटिशन एंड एवरीथिंग। तो वो चीज मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि इस बंदे ने इतनी शिद्दत से ये सब कुछ किया है एंड एवरीथिंग, एकदम से इसके अंदर का नायक जागता है एंड इज जस्ट लाइक अब तुम देखो अब तुम देखो। तो मतलब कभी भी ना किसी को रजत दलाल का कलेश देखते हुए ना कभी किसी को ऐसा नहीं फील होगा यार मैंने टाइम वेस्ट किया है। और मोस्ट ऑफ द टाइम यही सीख होती है कि भाई रजत दलाल से दुश्मनी नहीं है। भाई ये क्या सीख है भाई? ये बात तो सही है लेकिन उन लोगों को कौन समझाए? दिमाग और दिल इस हिसाब से सक्षम है कि भोसड़ी के तुम्हें एक लाख खड़े करके मरना मंजूर है, झुकना नहीं है। जब लेना हो सकंड को बचाने का सांड हम छोड़े बात था। जाट बुद्धि भाई, जाट तो वैसे ही सक्षम मिलते हैं। आजा भिड़ले मुन्ना मार, एक मकसद तो पूरा हुआ। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, पर हम थोड़ा डबल करके बस। भाई यस भाई, हमको कुछ नहीं पता, फिजिक्स वाला नहीं, रजत दलाल लाइव। थैंक्स भाई, इतना अच्छा तो आज तक स्कूल के टीचर्स ने भी नहीं सिखाया। तेरे को पता है कमजोर हो भाई, देख फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो कांस्टेंट है, ये इतनी तेज स्पीड से आएगा ना कि वो फोर्स जनरेट होगी कि यहां मारूंगा ना तो यहां कंपन आएगी। सोच, इमेजिन कर। और मोमेंटम क्या होता है? मैं भाई पी इज इक्वल टू एम वी, यस गुड, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम पता है वेग। अब देखो क्या होता है ना, अब खड़े खड़े तुम खड़े खड़े मोमेंटम नहीं बना सकते, उसके लिए वेलोसिटी चाहिए। तो मैं खड़े कर मी पीसफुली गिविंग एग्जाम्स द सीनरीज इन माय माइंड। फरीदाबाद आ जाओ ना तो बल्लमगढ़ तक पहुंचो, एक फोन कर देना। पहले फरीदाबाद फिर बल्लमगढ़। मैं फरीदाबाद ही आ रहा हूँ, अपना स्टेट छोड़ के मैं तुम्हारे स्टेट में आ रहा हूँ। बता दो कहाँ है, हम आते बात खत्म करो। मैं आ गया हूँ फरीदाबाद फिटनेस गैराज। तेरे को किसी ने ना बुलाया? एक बार ना मुझे गाली देके दिखाया। मैम मीट देंगे भाई तेरा, कहीं तू हो ना मैम। फिर जाट किस बात के, आपने 1 vs 2 एक्सेप्ट करा है? दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। कमेंट में जरूर से बता देना आप किसके साइड हो, और तब तक के लिए सभी भाइयों को हमारी ओर से राम राम।